पाता ना जन्म मैंने कौन से पाप करे जो तेरे जैसा कपूत पैदा होगा घर में। अरे तुम दोनों मुझे क्यों कोस रहे हो, ऐसा मैंने के जुलम कर दिया। अरे तने के जुलम कर दिया, तने सारा घर तबाह कर दिया जुए दारू के चक्कर में। अरे छोड़े तू फालतू मत बोल, नहीं तो एक लगाऊंगा रैबिट तेरे मुंह पे। अच्छा रे बेईमान, तू हाथ उठाओगा इस पर। अरे रहन दो जवान वाला, तो हाथ मत उठाओ। पिताजी रहन दो बस। प्रेम बेटा, इस नालायक ने घर की सारी कीमती चीज बेक बेक कर दारू भी भेड़ चढ़ा दी। इसके कर्जे तार तार कर मैं कर्जदार हो लिया। इस नालायक की वजह से मेरी दुकान भी बर्बाद होगी। मैं भाई भाई को मोहताज कर दिया, नालायक ने मेरे घर का नाश कर दिया। मैं पैसों को मोहताज बना दिया नालायक ने। पिताजी तुम दिल छोटा मत करो, मुझे एक बार कलेक्टर बन जान दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा मैं अब चल रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बेटा अपना ख्याल रखियो, आराम से जाइयो। संभल के जाइए बेटा। ठीक है पिताजी। अगली बावली हो रही है, हिम्मत रख, हमारा बेटा कलेक्टर बन गया होगा। चुप हो जा। स्टैंड अप, खड़े हो, क्या बदतमीजी है, खड़े हो क्या है? बिरजू तेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं है, तू नहीं बनेगा कलेक्टर, तू तो एक नंबर का लफंडर बनेगा। मास्टर जी मैं चौधरी धर्मवीर लंबरदार का बेटा सू, मने ना कलेक्टर बनने की जरूरत। तो क्या बनना है? मने तो पूजा का दुल्हा बनना। सिंगाड़े बरगी शक्ल के, तू यार पढ़ाई करना आवे ना तो चुपचाप बैठ कर अपनी पढ़ाई कर, मने इसे मजाक पसंद कोनी है, समझा तू? सर जी जो तुम कहो तो मैं भी अपने मन की बात कहना चाहूँ। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? मन की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तुम भी कहो। अजी मैं तो नू कहूँ था, इन्हें लड़कियों को डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने की के जरूरत है। तो तू के कहना चाहवे, छोरी पढ़ना छोड़ दे, तने बेरा भी है, आजकल छोरी छोरों से भी आगे है। वो तो मुझे भी पता तुम आगे हो, पर मैं तो नू कहना चाह रहा, तुम पढ़ाई करके रपू में क्यों आग लगा रही? तुम थानेदार के चले जाओगी थानेदारनी, पुलिस वाले के चले जाओगी पुलिस वाली, डॉक्टर के चली जाओगी डॉक्टरनी, कलेक्टर के चली जाओगी कलेक्टरनी, फिर तुम कलेक्टर की पढ़ाई क्यों कर रही? सुन ले मनोज, मेरी क्लास में इस तरह की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तुझे फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, नहीं तो प्रिंसिपल सर से कह के तुझे रेस्टिगेट करा दूंगा। मैं कविन सर। यस कम सिट डाउन। चल भाई रंगीले उधर को जा। नहीं भाई मैं नहीं होने का, मेरे को डगू बुखार आ रहा, मुझे वहां भेज जा दूसरी जगह। साले तुम 12 महीने बीमारी रहोगे। प्रेम तुम हमारे पास आ जा। भाई पनी जोड़ी के बात है, आजकल के खारी निखरती जा रही। आए तू के खारा, दिन पर दिन काड़ा होते जा रहा। लो जी आ गया थारा शिकार। हाँ भाई शहजाद आ जा बैठ। अरे भानी ऊपर बैठ आराम से। बाबूजी मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं थारे बराबर में बैठ जाऊँ, मैं तो यही ठीक हूँ। अच्छा भाई तूने बता, तेरी जो 5 बीघे जमीन से उसका बैनामा तुम्हारा करेगा कि नहीं? बाबूजी 30 लाख की जमीन 1 लाख में कैसे दे दूंगा बाबूजी? 1 लाख बता रहा है उसके? अरे उस 1 लाख के तो ब्याज लगाकर 10 लाख हो गए, इतने की तो तेरी जमीन भी कोनी, उसमें से आधी जमीन LMC की से, उसने सरकार ले लेगी। बाबूजी आगे पीछे जमीन का जो टुकड़ा है इसे ही तुम ले लोगे, मेरे हाथ में तो जी कटोरा आ जाएगा बाबूजी। इतना जुलूम मत डाओ
बाबूजी, गरीब आदमी पे इतना जुलूम मत डालो बाबूजी, ऊपर वाले से डरो। चंदर बताओ जी, कर दो इसका काम। बाबूजी नहीं। बात सुन रहे शहजाद के बच्चे, यासो टपका के चिलत्तर से तो मन ने दिखावाना, अब न्यू बता वो जमीन जीते जी करेगा ना तो तेरे मरने के बाद वो हमारी हो जाएगी, या तो तू जीते जी करवा दे ना तो तेने मार के करेंगे। अब बता तू जीना चाहा या मरना चाहा। बाबूजी जब मैं मरी जाऊंगा तो मैं जमीन का करूंगा के, चलो जी करवा लो ना। सुखरामपाल गाड़ी पे कपड़ा मारो, तहसील चलना से। प्रेम तू गांव में गया था, मम्मी पापा सब ठीक तो थे? हाँ सब बढ़िया, सब मौज में। अरे यार जब तू गांव में गए था मुझे बता देता, मैं भी तेरी बाइक पर चल पड़ता, मैं भी होता एक दिन करूँ। अरे कोई बात ना भाई, जब अगली बार जाऊंगा फिर मेरी गैल चल पड़िए। ठीक है भाई। प्याले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले, हरियाणा की चोरी पर ध्यान ना दे ना तो तने अंतर ध्यान कर दूंगा। अरे मेरे बिरजू भाई, मैं पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं आया। तू मेरी गैल पंगा मत लिए, ना तो तू मुझे क्या अंतर ध्यान करेगा, मैं ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। आज ते पाछे पूजा गैला बैठना देख लो तन्ने, ना तो तेरा यमराज थोड़ा ट्रांसफर कर दूंगा। ओ बिरजू के बच्चे, मैं किसी गैल बैठू उठू खाऊं या गुम्मू तने के लेना इस ते? लेना देना भी बता दूंगा, टाइम आन दे, चल रे बियर पियेंगे। अरे यार तू तो रोज हमें सुखी बियर पिया पिया के मार देगा, कदी कदाक लेग पीस भी खवा दे कर। अच्छा रे चलो तो आज मैं तंदूरी चिकन खवाता हूँ, फिर तो मजा ही ना आ जाएगा। इसका बापू बहुत दबंग आदमी से, नुए तो उछलता फिर आयो। अरे इसका बापू दबंग है तो हम कौन सा किसी से कम है। पिंकी चली ने अपनी बात कर लेंदे, हम कैंटीन में चलकर ठंडा पियेंगे। ठीक कह रहा तू, हम क्यों किसी की कबाब में हड्डी बनाए। प्रेम ये दिल भी कितना धोखेबाज हो ना, हरियाणा वाले छोरा ने छोड़ के यूपी वाले पे फिदा हो गया। तू यूपी वाले को हल्के में मान रही, हम यूपी वाले जहाँ जावे ना वही अपने नाम के झंडे गाड़ देवे। अच्छा बताइए फिर कित कित गाड़ रखे तने ये झंडे? एक झंडा तो तेरे दिल पे गाड़ रखा। या बात तो तू सच्ची कवे, मेरे दिल पे तेरा एक कब्जा है। ए पारो तेरे से बहुत प्यार करूं मैं, जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? जिंदगी भर ना, पूरे सात जन्म तेरा साथ निभाऊंगी। सोच ले, वादा करना तो बहुत आसान होवे पर वादे को निभाना बहुत मुश्किल हो जा। हरियाणे वाली छोरिया की बतने दिलदारी देखी को ना, जान तक दे दे हैं वादा निभान में। अजी हाँ, अगर तू इतनी बड़ी दिलदार है तो ला थोड़ा सा मुंह मीठा करवा दे। की न रोकया है, आजा कर ले। अरे मका मान जा, इतनी मत ना घूरे, चांद से मार के मानने की के। अब तेरी इजाजत हो तो जाऊं? ना पहले भीतर चाल, चाह पानी पी के फिर जाना है। यू मेरी ससुराल है, जब दुल्ला ससुराल में पहली बार आवा ना
तो दुल्हन को अपनी गैल लेके जावे। अब तू ही बता, दुल्हन बन के अभी मेरी गैल चलेगी या बाद में हूँ बरात लेके? अंकल राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पूजा, ये छोरा कौन सा है? पापा, यो प्रेम से बागपत यूपी का रहने वाला और मेरी ये लग कॉलेज में पढ़ रहे। अंकल जी, वो आज कॉलेज में देर हो गई थी इसलिए मैं पूजा को छोड़ने आ गया था। अरे बेटा, यू तने बहुत बढ़िया करा, फिर यहाँ कुकर खड़ा, भीतर न चाल, चाय पानी पी ले। नहीं अंकल, चाय पानी तो किसी और दिन पीऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा, राम राम। राम राम बेटा, बाय। माँ, भूख लग रही, कुछ भूख का जुगाड़ कर। लाजो, आ गया तेरा सपूत, खवा दे से देसी घी के पकवान। बाजार दफ्तर सा है ना, हार सकते। अरे कपूत, तेरे चक्कर में मुझे भी ताने सुने पड़े हैं। अब भी समय सुधर जा, नाश पिटे इन बुरे कर्मों को, छोड़ दे, तेरी समझ में ना आती। अरे तुम मुझे भाषण क्यों सुना रही, ला के रोटी क्यों नहीं खुआ रही? रोटी खिला दो, सुधरने का नाम ना है, रोज रोज पी के आ जाए। मेरे बस की ना है तुझे टिकड़ खिलाने, होटल से खाए क्या कर। कैसी माँ है तू, अपने बालक को तो रोटी भी नहीं खुआ सकती। चल फिर एक काम कर, तू मेरा ब्याह करवा दे, जब मेरी बहू आ जाएगी वो मुझे अपने आप रोटी बना खुआओगी। सुन लिया, सुन लिया, अब इसे बनना चाहिए लाट साहब को, इसने हमें तो बर्बाद कर ही दिया। दूसरे की बेटी लाके दे दो इसे बर्बाद करने को। पिताजी मेरी बात सुनो, ब्याह तो तुम्हें मेरा करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मैं किसी की लुगाई भागे ले आऊंगा। हाँ बस, लुगाई भगाने का सजा की थी, इस काम को कर ले बेटा, कोई ऐप छोड़ मत दीजिए। और बता, कैसा रहा तेरा कॉलेज का दिन? बढ़िया रहा यार, तू बता तेरा कैसा था? अच्छा था। और घर में सब बढ़िया तेरे? हाँ। अच्छा तू बता, तू कब आओगी मेरे घर? आ जाऊंगी यार, अभी फ्री ना हूँ थोड़ी। और सुना, कॉलेज में जी लग रहा है? तू गणी पैदल ना चल, अगर पूजा तो मैं चाल कर तेरा रंग काला पड़ जाएगा। तने के मेरा रंग गोरा पड़े या काला, तू कौन है मेरी चिंता करने वाला? तू मेरी जान है यार, तेरी चिंता करना मेरा फर्ज है। चल गाड़ी में बैठ, और मैं अभी तो खोली जा रहा हूँ। मन्ने को नहीं बैठना तेरी गाड़ी में, मैं तो पैदल चली जाऊंगी। अरे बावड़ी ना बने, चुपचाप गाड़ी में बैठ ले, ना तो जबरन बैठानी पड़ेगी। मन्ने दिखाइए बिठा के, चुकर बिठा देगा। चल रे, जोर ना लगावे, चल। छोड़ मेरा, छोड़, फिर तू छोड़। अरे वो डाडू, अरे डाडी, मुझे तो नू बता, पढ़ाई तो कर रहा तो कलेक्टर वाली, और काम कर रहा तो लफंडरों वाले, बीच सड़क में किसी छोरी को छेड़ने में तुझे शर्म ना आती रे? ले तो आज तन्ने बताई दूं, मन्ने शर्म आवे के ना।
भाई आज तो पानी सिर से ऊपर उतर गया, अब देख तू यूपी वाले का जलवा। अरे आराम के बीच मेरा चढ़ दिया भाई, मैं तो इसका मार रहा था, तू ही आ गया बीच में, सॉरी। अच्छा तू मेरे बॉस का मार रहा था? अरे सारी गिरा मेरे पे चटरी के साथ। है भाई होगी पूर्ति या और चाहिए खुराक? देख लूंगा तन्ने। चलो रे गाड़ी स्टार्ट करो, बियर पियेंगे। प्रेम तू पूजा को लेकर चल, मैर पिंग की पैदल आ रही है। आ पूजा। तू ना खरीद ले स्कूटी, स्कूटी पूरी जिंदगी मुझे पैदल ही खचड़ेगा के? अरे मेरी जान, तेरी लिए तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद दूंगा, बस मजे एक बार कलेक्टर बन जान दे, चलेंगे गगू। अरे सारे यही खत्म करोगे? चलते चलते पिनेगी चलो। अरे सचो साहब, मैनू कह रहा सू जिस आदमी को तुमने अरेस्ट करा है ना, वो हमारा आदमी से, एक मिनट में छोड़ दो रामनाई भी। ढंग में रह ले, ढंग में समझ गया? अरे छोटे लंबरदार, आज इतनी जल्दी कैसे आया कॉलेज से? आज मेरा मूड खराब से पिताजी, इस मार में कॉलेज गया नहीं। कोई बात नहीं, कॉलेज नहीं गया तो? अरे तो साल भर भी कॉलेज नहीं जाएगा, जिब भी किसी की हिम्मत ना जो तने फैल कर दे, कॉलेज भी तो हमारा ही से, समझ गया? जा बेटे एसी में आराम कर। हाँ रे राम, छोड़ दिया इन्होंने? पीछे पीछे तो देने पड़े कुछ? अरे बस कृपा है। हाँ 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 चल भाई घर पहुंच, घर पहुंच। राम राम भाई। पूजा कितने मजे के होंगे वे दिन जब हम दोनों कलेक्टर बन जाओगे, प्रशासन हमारी मुट्ठी में होगा। सही कवे तू प्रेम, मैं तो गरीबी तक जमा परेशान हो ली हूँ, ईब तो जीवन ना कलेक्टर बन के सुधरेगा। अरे एक बात तो बता, मेरी कलेक्टर नहीं तू कलेक्टर बन के मेरे पर रोप तो ना झाड़े? रोप तो झाड़ूंगी पर तेरे ते प्यार भी तो करूंगी। अरे पूजा प्रेम, तुम दोनों सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम दोनों को जमकर पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि एकांत में खड़े होकर इस तरह इक्सबाजी। सॉरी सर, सर हम एसएससी परीक्षा के बारे में ही बात कर रहे थे। ठीक है लगन से तैयारी करो, जल्दी फीस जमा करा दो एक सप्ताह के अंदर, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है सर, मैं आज गांव चला जाऊंगा और फीस के पैसे ले आऊंगा। ओके सर, मैं भी अपने पापा को एग्जाम फीस के लिए बोलती हूँ। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तेरे क्या होगा, तू कैसे परेशान सी होगी?
कुछ ना प्रेम, बस नु ये सोचू थी अक मेरा मजदूर बापू 30,000 का इंतजाम कर पाओगा या ना। अरे तो टेंशन मत ना ले, टेंशन बिल्कुल छोड़ दे। अगर भगवान ने हमें कलेक्टर बनने का सपना दिखाया ना तो वो पूरा भी होगा। अगर तेरे बापू पर पैसे का इंतजाम ना होया ना तो तू मुझे बताइए, मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा। तू कितने करेगा, तना अपनी भी तो फीस भरनी है। अरे मेरी फीस का इंतजाम तो मेरे पिताजी कर देंगे। अगर तेरी फीस का इंतजाम ना होया तो मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच दूंगा, जब कलेक्टर बन जाओगे फिर खरीद लेंगे। जब देखी उसकी स्माइल, मन मांगा नंबर मोबाइल, जब देखी उसकी स्माइल, मन मांगा नंबर मोबाइल। चले हाँ चल, पर पहला मने मारे घर छोड़ के जाइए। यूपी छोरे ते मन प्यार हो गया, मन प्यार हो गया। चल भाई उतर ना। अरे उतर यार ना, मैं ना उतरू ना। उतरती तो चल। अरे रुक 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 बावड़े, मैं तो मजाक करू थी। चल ठीक है, ध्यान से जाइए, बाय। पापा आपने कितनी बार कह रखी है कि आप घर का काम ना करया करो। पूजा बेटी, नंबरदार की कोठी पे भी तो मैं यूं ही काम करूं, थोड़ा बहुत काम अपने घर का निपटा लूँगा तो मेरे पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। फर्क तो कुछ ना पड़े पापा, पर जब तक इस घर में मैं हूँ ना, मना अच्छा को नहीं लगा है। अक आप काम करो। हे बेटी, तने तो कलेक्टर बनना है कलेक्टर, और कलेक्टर घर का काम नहीं कर करते। पापा इब्बे मैं कलेक्टर थोड़ी बनी हूँ, इब्बे तो मैं SSC की परीक्षा दूंगी, फिर उसके रिजल्ट के बाद किते जाकर कलेक्टर बनूंगी। मने पूरा विश्वास है एक दिन मेरी बेटी कलेक्टर जरूर बनेगी, और मेरा और मेरे हरियाणा का नाम रोशन करेगी। पापा आप अंदर आओ, मने आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बता, के बात करनी। पापा वो नागेंद्र सर है ना मारे, वो SSC परीक्षा की फीस जमा कराने की कह रहे हैं। हाँ करा देंगे फीस जमा, बता कते रुपए चाहते ने। 30,000। 30,000। पापा मने पता है अक आपके खातिर 30,000 बहुत बड़ी रकम है, पर आप मेरे तो सच बताइयो कि आप इसका जुगाड़ कर पाओगे या ना पाओ। हो जाएगा जुगाड़, तू चिंता ना करे, मैं नंबरदार ते कह के 30,000 रुपए ब्याज पर ले लूंगा, तू अपना पढ़ाई पर ध्यान रख। बेटे तने कलेक्टर बनाने की खातर अगर मन ने अपनी चमड़ी भी बेचनी पड़ेगी ना तो मैं चमड़ी भी बेच दूंगा, पर अपने बेटा को कलेक्टर जरूर बनूंगा। पापा दुनिया के सबसे बढ़िया पापा। दाजो। हाँ जी। 25,700 रुपए फंसे पड़े दुकान पे उधार के, दुकान तो होगी बंद, समझो तगादा भी खत्म। ग्रेजुएशन मेरी पूरी होगी, अब मुझे एक SSC का कोर्स करना है जिसकी फीस 30,000 रुपए है, और वो मुझे इसी हफ्ते में जमा करनी पड़ेगी। कर दोगे तुम इंतजाम? प्रेम बेटा तेरा बड़ा भाई देव तो निकल कर ना लायक, उसके सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है, पर बेटा तेरे पे हमारी सारी उम्मीद टिकी हुई है। हाँ बेटा तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। बेटा तुझे कलेक्टर बनाने का सपना दे रखा मैंने,
अरे मैं सपने को पूरा करने के लिए चाहे मुझे भी घर बेचना पड़े, तू चिंता मत करिए, मैं तेरी फीस का इंतजाम करके रहूंगा। पिताजी मैं कल दिन निकलते ही वापिस चला जाऊंगा, पैसे का इंतजाम आज ही कर दियो। आज ही कर दूंगा बेटा, लाजो आई भीतर को। लालाजी तुमने प्रेम से 30,000 रुपए भरने के लिए हाँ तो कर दी, पर लाओगे कहाँ से? तेरे सोने के कंगन बेच के। हे भगवान, कितना बुरा टाइम आ गया है। मेरी दहेज की चीजों में से यही 4 कंगन बचे थे, आज ही ये भी चले जाएंगे। तू चिंता मत करे लाजो, तू नहीं तो सोच कि तेरे कंगन प्रेम की पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं। तू एक बार हमारे प्रेम को कलेक्टर बन जान दे, तेरा सपूत तुझे गहनों से लाद देगा। तुम ठीक कह रहे हो जी। जा तो फिर वे कंगन ला कर दे। ठीक है, मैं अभी लेके आई। भगवान, मैंने इसी में कंगन रखे थे, कंगन कहाँ गए? कंगन कहाँ गए? मैंने इसी में रखे थे। लाला जी, मैंने संदूक में कंगन रखे थे, कंगन नहीं मिले, मैंने सारे में छान लिया, उसमें ताला लगा के मैंने चाबी छुपा के रखी थी। तू रो मत लाजो, मैं समझ गया, यू हरकत तेरे उसका पूत की है। उसे कंगन चोरी करके ज्यादा दारू पी गया या जुआ खेल गया। अब हम प्रेम की फीस कहां से भरेंगे? इस घर को गिरवी रख के आखिर प्रेम की फीस तो भरनी पड़ेगी। हे भगवान, अब घर को भी गिरवी रखने की नौबत आ गई। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता मेरी पढ़ाई के चक्कर में तुम इस घर को गिरवी रखने की गलती मत करियो। मैं नहीं चाहता मेरे कारण सारा परिवार बेघर हो जा। फिर 30,000 का जुगाड़ कैसे होगा? अरे ना होता ना सही, इस साल में एसएससी की परीक्षा ना देने का।